God. ये सीधी जंग को साइड जाती है ये? हाँ जी, ये जी जंग ब्रांच अपर जाएंगे जी। आई लव चिन्योट। कहाँ तक पहुँच गए हम? लोर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जा रहे हैं जी चिन्योट। फैसलाबाद आए हुए थे फैमिली के साथ है गाड़ी पे, लेकिन यहाँ पे तो हमने बाइक टूर ही करना था। जो फैसलाबाद के व्लॉग में जिस बाइक पे व्लॉग क्रिएट किया था उसी पे हमने दोबारा क्रिएट करना है। यही वो बाइक है जी, प्राइडर अब्दुल बासित भाई की है जी। ये सब हमारे साथ जा रहे हैं जी चिन्योट। अभी हम कहाँ करके हैं? हम इंटरचेंज मोटरवे के, और मोटरवे का इंटरचेंज क्रॉस कर लिया हुआ है। हाँ जी, वो पीछे जी मोटरवे वो हम क्रॉस कर रहे हैं। अब मैं ड्राइव करूँगा यहाँ से और चलते हैं जी, फिर आपको दिखाते हैं मोटर व्लॉग। सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। नहीं जी, सफ़र हमारा हो चुका है स्टार्ट। सो बाइक अभी प्राइडर है, इसके ऊपर मेरे वो मतलब के किट वगैरह नहीं लगी जैसे मोबाइल होल्डर है और इस तरह की, क्योंकि फैमिली के साथ आए थे तो बाइक मैं नहीं ला सका। 150 को अपनी मिस कर रहा हूँ। तो बासित भाई का ये प्राइडर है, अब्दुल बासित भाई का प्राइडर है। सो वैसे अगर आप देखें चिन्योट जो है ये सरगोधा और फैसलाबाद का इंटरसेक्शन है, और फैसलाबाद से ये 40 किलोमीटर है तकरीबन, और लाहौर से ये 165 किलोमीटर तकरीबन है। सो दरियाए चिनाब के किनारे पे वाक़ है, तो पास एक पहाड़ी है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कोई ड्रोन शॉट बन सका। हम ऑलरेडी काफ़ी लेट निकले हैं और 4:30 हो रहे हैं, देखते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे बोर्ड्स आए हैं जी नेविगेशन के। लाहौर मोटरवे यहाँ से है जी 5.1 किलोमीटर, फैसलाबाद शहर है जी 14 किलोमीटर यहाँ से, सरगोधा 67 किलोमीटर है, और चिन्योट 22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर दूरी पे इस वक्त हम हैं चिन्योट से। अब ये 22 किलोमीटर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रश होगा। रोड अगर ख़राब हुई ना तो ये 22 किलोमीटर वाला जो सफ़र है जो कि हमने आधे घंटे में तय कर लेना या घंटे में तय कर लेना, वो डबल हो जाना। सो लेट्स सी। ये जा रहे हैं जी मट्टी वाले ट्रक। एक तो ये ट्रक वाले जो एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं ना, ये काफ़ी स्पेस ले लेते हैं दूसरी साइड से आने वाली जो लेन होती है। और ये आया है जी जंग केनाल, ये आप देख सकते हैं जी ढलता हुआ सूरज और बहती हुई नहर। ये सीधी जंग को साइड जाती है ये? हाँ जी, ये है जी जंग ब्रांच अपर RD241495 फैसलाबाद डिवीजन। सो चलते हैं जी सीधा आगे, हमने जाना जी दरिया चनाब तक, फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी, और ये उसकी एंट्रेंस है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेस। ओ खैर मट्टी। यस अब्दुल्ला भाई मुझे कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी दिखाओ, और ये हमने कर लिया है जी ओवरटेक। ये है जी यामा। चले बस भाई की इंस्ट्रक्शन आई है जी कि स्टे कर लिया जाए ताकि बाकी बाइक्स भी साथ साथ आ सकें।
रोड साइड पर रुके हैं। अब्दुल बासित भाई ने कॉल की है, पूछ रहे हैं कि जी कहाँ पे हैं। हमने जाना जी इस तरफ, वेट कर रहे हैं जी बाकी बाइक्स का। आ गए जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू आवर राइड ऑन द वे टू चिन्योट। ओह गॉड, एक तो ये रॉन्ग ओवरटेक है ना, बहुत बुरी ड्राइविंग करते हैं ये। सो 5 किलोमीटर्स लेफ्ट, इसमें गालबन जा रही है जी तूड़ी, और इस तूड़ी वाले जो ट्रक से आप ना तो लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं ना जी राइट साइड पे देख सकते हैं, क्योंकि सारा रोड इसने कवर किया। लेकिन ये वैगन वाला फिर भी देखना इसको ओवरटेक करेगा। ओह खैर, ये है जी आई लव चिन्योट, इसका मतलब हम चिन्योट में आ चुके हैं। यह ये है जी एक राउंड अबाउट टाइप का बनाया। हाँ जी सीधा ही जाना, और साइड पे नेविगेशन बोर्ड आया है, एक साइड सीधा है जी चिन्योट, लेफ्ट साइड पे है जंग, और राइट साइड पे है जी पिंडी भट्टियाँ। हमने जाना है जी सीधा। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है, क्या नाम है जी इसका, मेरे ख्याल में मैं बाइक चला रहा हूँ, रीडेबिलिटी कम है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब्दुल बासित भाई सीधे ही ठीक है जी, वहाँ पे है जी साहिवाल, फैसलाबाद, जंग, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट का अड्डा, यहाँ से आप लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जा सकते हैं। का नाम है खत्मे नबूवत चौक। लें जी सिग्नल ओपन हो गया है, ग्रीन हो गया है। रेस्क्यू 1122 का ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट, यहाँ पे बना है जी कायद आजम का मकबरा छोटा सा, और वो मेरे ख्याल में कोई कोयटा का है, तो क्या नाम था मेरे जहन से निकल गया। डिम हो गई है लाइट, लेकिन ले सकते हैं हम यहाँ पे अभी भी ड्रोन शॉट्स। ऊपर थोड़ी हाइक करके जाते हैं और वहाँ से हम लेंगे जी ड्रोन की फ्लाइट। जहाँ तक मुझे लग रहा है ना ये रेलवे ट्रैक है। ये है जी दरिया चनाब, सूखा भरा। ये है जी दरिया का दूसरा हिस्सा जो कि सूखा भरा, और ये है जी एक ब्रिज। हैवी डस्ट उड़ाता हुआ जा रहा है जी। नहीं जी हमने इस तरफ से अंदर जाना है, और यहाँ पे है जी एक फाटक। चिन्योट हम पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से हमने हाइक करके जाना ऊपर उधर करके। इसके ऊपर ये है कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, हम इजीली जा सकते हैं, और ऊपर जाके उम्मीद है कि ड्रोन शॉट लिया जा सके, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन ना हो यहाँ पे कि इशू आए। सनलाइट भी बेहतर होनी चाहिए, आप पीछे मेरे सन देख सकते हैं कि कैसा आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये एक रेलवे ट्रैक है जो कि सीधा जाता है उस तरफ को सरगोधे वाली साइड पे। अब यहाँ से मेरे ख्याल में हम जा रहे हैं डाउनवर्ड।
बस भी मजा आ रहा है, बहुत जबरदस्त है जी। हाँ हाँ, हाँ जी, कहाँ तक पहुँच गए हम? लोड आ गया, अभी तो आधी हुई है। आधी है तो ये जी अब्दुल कुद्दूस और तलहा भाई आ रहे हैं। हम बेसिकली इसकी पिछली साइड से आए हैं ऐसे करके, तो वो सारा आप ग्रेचन आप जाता हुआ देख रहे हैं, सेंटर में जाके ऐसे लिंक होता है। अभी मैंने आपको ड्रोन शॉट दिखाया जी, तो अभी मैं नीचे आ चुका हूँ और काफ़ी सिनेमैटिक किस्म के ड्रोन शॉट्स लिए हैं आज, काफ़ी मज़ा आया। और दरिया चनाब भी साथ था और एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर हमने चढ़ के ड्रोन शॉट्स लिए हैं, काफ़ी मज़ा आया सफ़र का भी। तो अभी हमारी है जी यहाँ पे वापसी, वापस जाएंगे जी हम फैसलाबाद और यहाँ से भी निकलते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को जी आपने करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना हमने बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।